एक क्वाइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट प्लस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब एक क्वाइल लेके आओ और वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, तो उस पर क्या लगेगा? ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा या टॉर्क भी लगेगा, ईएमएफ भी होगा, कुछ नहीं होगा। जो क्वायल है, अगर मान लो सर्कल के फॉर्म में है, ये जो क्वायल है, अगर इस टाइप का क्वायल मैं ला के रख दूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, या सोलेनाइड के फॉर्म में ही क्वायल, जैसे भी क्वायल रख दो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क का अगर देखोगे, टॉर्क आता है एम क्रॉस बी, तो एम क्रॉस बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा। और ये बताया नहीं कि टॉर्क जीरो हो भी सकता है, टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता, वो थीटा डिसाइड करेगा यार, ठीक है? तो बट यूनिफॉर्म फील्ड में क्वाइल पे फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो नहीं होता है, ठीक है? तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होगा और टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर बताया नहीं यार कि मतलब कैसे रखा गया, ओरिएंटेशन नहीं बताया गया है। तो टॉर्क इज क्रिएटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता यार टॉर्क, तो ये तो गलत है। ईएमएफ इंट्रोड्यूस नहीं होगा, मोशन करेगा तब मोशनल ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। तो ए एंड बी दोनों का मतलब, ए नॉन ऑफ दीज मेरे हिसाब से सही है, डी ऑप्शन। बहुत सारे